So last time we have done the electronic configuration of the elements. First 20 elements की electronic configuration हमने कर ली हुई है. Yes, बोलो elements. मच्छर पीछे चलो बेटा. मच्छर कोई बात नहीं. ये लास्ट पीस का क्या नाम है? ध्रुव. यहाँ पर आजा, सेकंड एक्स पे, थर्ड एक्स पे आजा, फिर वहीं पे बैठ करो बेटा. मैंने बाहर निकाल देना है गर्ल्स आप दोनों को. हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन वन है. दिस इज टू. पहले तीन एलिमेंट्स, ठीक है, जिन्होंने रिएक्ट ही नहीं करना है, जिनके स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है. नाउ लिसन टू द टू टर्म्स. आयंस पढ़ के आए हो आप? छोटी क्लासेस में आपने टर्म सुना है, लोअर क्लासेस में आयंस. आयंस दे आर कैटायंस और एनायंस, ठीक है. आयंस जो है वो आपके दो तरह के होते हैं. लाइक आई टोल्ड यू व्हाट इज द नीड ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन टू गेट स्टेबल, ठीक है. और स्टेबिलिटी कैसे एक्वायर होती है? आइदर बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, आइदर बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, जो लूज करते हैं, दे कैरी पॉजिटिव चार्ज, तो उनको हम क्या कहते हैं? एंड द एलिमेंट्स दैट गेन इलेक्ट्रॉन्स, दे गेट विच चार्ज? They get negative charge and we call them as anions. समझ आई बात? Ions दो तरह के होते हैं, cations and anions. Cations वो होते हैं जो electron lose करते हैं, ठीक है, और उनके ऊपर कौन सा charge आ जाता है? Positive. And ions वो होते हैं जो electron gain करते हैं, gain करने से उनके ऊपर कौन सा charge आता है? Okay. Now we will be forming the cations and the anions of these elements, ठीक है? ये लिख लिया था आपने? Can I rub it? Yes, sir. Ions मैं आपको बता रही हूँ दो तरह के हैं, हम form करेंगे अभी cations और anions दोनों चीजें form करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर हम ions बनाते हैं सबसे पहले. Like I told you about the hydrogen, hydrogen के पास एक electron है. And the magic numbers are, first shell में कितने electrons चाहिए? जब उसकी एक shell है तो हमने ये first shell ही देखनी, ठीक है. इसकी भी first shell है, कौन सी shell है ये? K shell. तो हमने इसकी भी K shell देखनी है magic numbers के लिए. First shell में कितने electrons होने चाहिए बेटा? Two. कितने हैं इसके पास? One. क्या possibility है? Yeah, okay.
अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो इट विल बी एच नेगेटिव, एच नेगेटिव। अब दूसरा ऑप्शन क्या है, कहता है एक है, ठीक है, मिड में है, या तो वो लूज कर सकता है या तो वो गेन कर सकता है। ध्रुव, इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडिंग यू कैन गो आउट एंड हियर लास्ट डेक्स ऑल्सो। आपको नहीं पढ़ना बेटा, आप बाहर जा सकते हो, बातें क्यों कर रहे हो। हाइड्रोजन जो है वो दोनों चीजें बनाता है, एच नेगेटिव भी बनाता है और एच पॉजिटिव, ठीक है। अब यहीं से मैं आपको एक टर्म बताऊंगी, वैलेंसी। आयंस लिख लिया हमने, ये हो गया क्या कहते हैं इसको, एनायन, ये हो गया। नाउ देयर इज वन टर्म कॉल्ड वैलेंसी, क्या लिखा है मैंने, वैलेंसी इज एक्चुअली, मैं डेफिनेशन लिखवाऊंगी, ठीक है, आपको प्रॉपर डेफिनेशन लिखवाएंगे, बट अभी समझ लो वैलेंसी क्या है। कितने इलेक्ट्रॉन्स किसी एलिमेंट ने लूज या गेन किए हैं केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। वैलेंसी क्या है, नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स लूज और गेन बाय एनी एलिमेंट इन केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। एंड मार्क वन थिंग, वैलेंसी इज जस्ट अ नंबर, 1, 2, 3, 4 ये लिखना है, प्लस 1, माइनस 1, प्लस 2, माइनस 2 ये नहीं, सिर्फ नंबर शो करना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हुआ। एक इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ, दो इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हुआ, तीन का हुआ, चार का हुआ, ओके। अब इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस किया या गेन हुआ है, लॉस भी उसने वन किया है, गेन भी उसने वन ही किया, तो ऑन द होल वन इज फिक्स्ड, तो इसकी वैलेंसी क्या है, ठीक है, हीलियम स्टेबल है, लाइन ही लगा दो बस, नो रिएक्शन, किसी के साथ भी नहीं रिएक्ट करे। लिथियम, के शेल देखो पूरी भरी हुई है, नाउ वी विल बी सीइंग दिस शेल, ठीक है, 8 है, कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए उसको, एंड लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था 7 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लेने बहुत डिफिकल्ट है, कोई 7 इलेक्ट्रॉन्स नहीं देगा उसको, तो उसके पास क्या टेंडेंसी है, क्या ऑप्शन है, तो वो कहता मेरा एक इलेक्ट्रॉन भी ले लो, कितने लूज किए उसने, एंड इट विल फॉर्म Li, ठीक है जी। हाँ जी बेटा, उसकी वैलेंसी 0 है, अगर आपने शो करनी है, ये सारा टेबल है आपका, आयंस का, एलिमेंट्स का, एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन, उनके आयंस और उनकी वैलेंसी, ठीक है। नेक्स्ट बताओ, Be, और वैलेंसी 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, 6 लेने हैं उसने, 6 लेने इजी नहीं है, ठीक है, तो वो भी लूज करते, आगे उसने 5 लेने हैं, 5 लेने हैं, 5 जो है वो नहीं पॉसिबल है, दैट्स व्हाई इट विल लूज, तो वैलेंसी इज 3। नंबर मतलब ये वाले लिखने, ये आयंस हैं, ये लिखने हमने चार्जेस, ठीक है, ये इनके चार्जेस हैं, वी हैव टू राइट देम, जैसे आप बोरोन लिख रहे हो, बोरोन के ऊपर लिखना है 3 पॉजिटिव, तो ये आयंस हैं, ओके। अगर मैं बोरोन के ऊपर कुछ नहीं लिख रही हूँ तो डेट इज इन इट्स नेचुरल स्टेट, ओके। अगर मैं उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं मेंशन कर रही हूँ, इसका मतलब वो अपनी नॉर्मल स्टेट में है, जैसे वो एग्जिस्ट करता है। बट अगर मैं चार्ज लिख रही हूँ, इसका मतलब कि वो किसी के साथ कंबाइन हुआ और उसने अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, इसका ये मतलब है। व्हेनेवर इट विल कंबाइन विद सम अनदर स्पीशीज और अनदर एलिमेंट, इट इज गोइंग टू गिव इट 3 इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन का केस,
फोर गेन करेगा। एट है टोटल, चार है, चार मिडल में है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये केस लेके चलते हैं कि वो चार ले भी सकता है और चार ले भी सकता है, ओके। तो सी फोर पॉजिटिव एंड सी फोर नेगेटिव, सो हियर यू आर हैविंग फोर इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंसी। नाइट्रोजन अब पांच पे आ गए हैं, अब तीन रह गए हैं, तीन इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है, तो तीन इलेक्ट्रॉन तो वो इजीली ले सकता है किसी से भी। तो नाउ इट इज गोइंग टू गेन, अब गेन के लिए कौन सा चार्ज आता है, तो नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं। ऑक्सीजन अब आपको पता चला हम ओ के ऊपर टू नेगेटिव क्यों लिखते हैं, ओ के ऊपर टू नेगेटिव, ठीक है। अच्छा आपने रिएक्शंस नहीं स्टडी किए, जब रिएक्शंस करोगे फिर आपको पता चलेगा। फ्लोरीन एफ नेगेटिव, नियॉन जीरो, वैलेंसी जीरो, ठीक है जी। एनी डाउट। अब नेक्स्ट पे चले, वन लूज किया तो वन पॉजिटिव, और कभी भी यहां पर ऐसे नहीं लिखना, प्लस लगा के वन नहीं लिखना है, दैट इज अंडरस्टूड कि हम वन की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। टू से स्टार्ट करने, टू पॉजिटिव, टू थ्री पॉजिटिव, टू नेगेटिव, थ्री नेगेटिव। जब आपने नेगेटिव भी लिखना है तो सिंपल नेगेटिव लिखना, जैसे ये यहाँ पे ऐसे नहीं लिखना वन नेगेटिव, ओके, सिंपल नेगेटिव का साइन डालना। एवन सीधे बैठो। एम जी उसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, ईवा सिक्स लेने इजी है, कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, फाइव लेने इजी है, फास्फोरस हेवन बाहर जाना है, सीधे बैठो फिर, कार्बन जैसा ही है, चार हैं, चार मिडल में है, ले भी सकता दे भी सकता। फॉस्फोरस, सल्फर टू वैलेंसी, क्लोरीन जीरो, पोटेशियम कितने, अब अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एएल थ्री पॉजिटिव, तो क्या कॉन्फ़िगरेशन है एएल थ्री पॉजिटिव की, व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एएल थ्री पॉजिटिव। AL की क्या है, AL की 2.8.3, अगर मैंने AL 3 पॉजिटिव बनाना है तो 0 नहीं लिखना, 2.8, ठीक है, स्टेबल है, 8 आ गया। Mg 2 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन 2.8 मैच कर गई। ऑक्सीजन ओ टू नेगेटिव, टू कॉमा एट,
O टू नेगेटिव की कॉन्फ़िगरेशन बताओ। तीसरा कॉमा क्यों बोल रहे हो? इसी में ही दो ऐड हो जाएंगे कि नहीं? F नेगेटिव की कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है सारी। देखो जितने भी हमने आयंस लिखे हैं वो सारे स्टेबल हैं। जितने भी हम आयंस लिख रहे हैं दे ऑल आर स्टेबल। तो यानी कि जब ये कंबाइन करते हैं ये क्या एक्वायर कर लेते हैं? स्टेबल। पोटेशियम की बताओ। स्टेबल है। यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन मैच कर गई बिल्कुल। देखो ठीक है, व्हेनेवर दे आर गोइंग टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स दे आर एक्चुअली बिकमिंग स्टेबल। तो स्टेबिलिटी के कारण ही जो है वो लॉस और गेन करते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए आगे लिखो। यहां तक हो गया क्लियर? तो विद दिस आवर डायग्राम इज क्लियर नाउ विद दिस वन। ठीक है, जो टेबल है ये मैंने आपको बनवा दिया। इस टेबल में आपने एलिमेंट्स इंक्लूड किए हैं, उनके एटॉमिक नंबर इंक्लूड किए हैं, उनके एटॉमिक मासेस इंक्लूड किए हैं, कॉन्फ़िगरेशन लिखी है। ठीक है, उसके बाद आपने उनके आयंस लिखे हैं और आयंस के बाद उनकी वैलेंस। इज दैट क्लियर? एनी डाउट टू एनीवन? नाउ राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ वैलेंसी। वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी। It is the combining capacity of an element. Who is going to explain this term, combining capacity of an element? Combine करने की कितनी capacity है उसमें? Capacity means कितने electrons हैं जिनके सहारे वो क्या करेगा दूसरों के साथ combine? ठीक है, तो अल्टीमेटली वी आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंसी का कंसेप्ट जो है दैट इज विद द इलेक्ट्रॉन्स। और या आप दूसरी तरह इसको डिफाइन कर सकते हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड बाय एन एलिमेंट, by an element during a chemical combination, number of electrons lost or gained by the element during a chemical combination. ठीक है, तो जब वो combine कर रहा है उसने कितने electrons lose या gain किए वो भी जो है वो valency। Now write down, valency is just a number और इसको box में डाल दो। Valency is just a number with no charge. So whenever you are going to express the valency, valency जो है वो किसमें होनी चाहिए? Numbers में होनी चाहिए, without any sign of positive. And whenever you are asked about the charge, जो charge है वो positive या negative हो सकता है, but valency जो है वो positive या negative नहीं। Okay, now write down the next one. Symbols of the elements, symbols of the elements. So you are pretty much familiar with the symbols. We have done the symbols of first 20 elements. Symbol is what? Short form of the representation of an element. हमने उस element को इतना बड़ा लिखने की बजाय क्या कर रहे हैं उसको short form में। So it is a shorthand notation और रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट। यही कहा हमने, रिप्रेजेंटेशन और नोटेशन ऑफ एन एलिमेंट। सो यू कैन राइट डाउन
some of the symbols of the elements they were derived from the ancient time, जैसे कॉपर है, कॉपर का नाम जो है वो कहां पर कैसे ये रखा गया, इट इज फ्रॉम द प्लेस दैट इज, हां जी, साइप्रस। तो इस प्लेस से जो है वो कॉपर का नाम पड़ा जहां से ये ओरिजिनेट हुई है। ओके, नेक्स्ट राइट डाउन सिंबल्स, दे आर एक्चुअली डिराइव्ड फ्रॉम मेनी ऑफ द थिंग्स, जैसे कोई, जैसे किसी सिटी में हुआ, ठीक है, किसी कंट्री का या किसी प्लेस का, किसी के कलर के अकॉर्डिंग हम उसका नाम रख रहे हैं। ये कॉपर का जो नाम था, इट वाज एक्चुअली ऑन द नेम ऑफ द प्लेस फ्रॉम वेयर इट वाज माइंड, पहली बार जहां से आया था, ठीक है। और उसके आगे लिखो गोल्ड, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड, स्पेसिफिक कलर ऑफ द एलिमेंट, जैसे गोल्ड है, दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द इंग्लिश मीनिंग वर्ड येलो। गोल्ड को हमने किस नेम से डिराइव किया है, येलो, दैट इज एक्चुअली द इंग्लिश वर्ड येलो। की गोल्ड की कैसी अपीयरेंस होती है, येलो ही है ना, ठीक है। नेक्स्ट राइट डाउन, क्लोरीन इज अ येलो ग्रीन गैस, क्लोरीन इज अ येलो ग्रीन गैस एंड इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, एंड इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड दैट मीन्स येलो ग्रीन। क्लोरीन इज अ येलो ग्रीन गैस दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, इसको भी हमने ग्रीक वर्ड से डिराइव किया है, और उस ग्रीक वर्ड का मीनिंग क्या है, येलो ग्रीन। एंड सम ऑफ द एलिमेंट्स जो अभी मॉडर्न टाइम में जो आपके डिस्कवर हुए हैं, दे आर नेम्ड फ्रॉम द नेम ऑफ देयर साइंटिस्ट ऑल्सो, ठीक है, साइंटिस्ट पे भी नेम्स जो हैं वो रखे गए हैं। राइट डाउन द नेक्स्ट थिंग, रूल्स मैंने आपको पहले ही बता दिए हुए हैं कैसे हमने सिंबल्स लिखने हैं। हाँ जी, क्या रूल्स हैं, वेरी गुड, सो द फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल एंड द सेकंड लेटर शुड बी स्मॉल, ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट रूल है, राइट। एंड द एलिमेंट्स दैट आर हैविंग अ सिंगल अल्फाबेट इट शुड बी कैपिटल, जैसे ये राइटिंग ऑफ द सिंबल्स, these are the rules for the writing of the symbols, जो तो अकेले हैं, सिंगल अल्फाबेट वाले हैं, उनके जो आपके अल्फाबेट्स लिखने हैं वो कैपिटल्स लिखने हैं। जो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स के साथ हैं, उनका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होना चाहिए, सेकेंड लेटर जो है वो स्मॉल होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट राइट डाउन, सम एलिमेंट्स आर some elements are derived from the names of the elements in, कुछ कहते हैं कि ऐसे elements हैं जिनका हमने name जो है वो कुछ languages से derive किया है। आप पढ़ते हो ancient में Greek language, Latin language और चलिए राइट डाउन, ग्रीक, लैटिन एंड जर्मन यहाँ पर है। ओके, तो इन लैंग्वेजेस से भी हमने कुछ एलिमेंट्स के नेम जो हैं वो डिराइव किए हैं। यू कैन राइट डाउन आयरन, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड फेरम, आयरन को हमने लैटिन वर्ड फेरम से डिराइव किया है। आयरन को हम एफ ही लिखते हैं ना, अब आयरन तो आई से स्टार्ट होता है, आयरन तो आई से स्टार्ट होता है,
बट हम उसको क्या लिखते हैं एफ3, दैट इज एक्चुअली डिराइव्ड फ्रॉम इट्स लेटन वर्ड. ओके नेक्स्ट राइट डाउन सोडियम. अब सोडियम जो है वो एस से स्टार्ट होता है, लिखते हम दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम नेट्रियम. लिखो लिखो साथ में, ये सारे लेटिन वर्ड्स, दे ऑल आर लेटिन वर्ड्स. पोटेशियम, कैलियम. उसके बाद लिखिए नेक्स्ट सिल्वर. अब सिल्वर ऐसे स्टार्ट होता है, लिखते हम इसको क्या है बेटा, दे दो बॉटल, नहीं संभाल हो रही है तो आई थ्रो इट इन द डस्टबिन. आर्जेंटम. ये सारे लेटिन वर्ड्स हैं, फेरम, नेट्रियम, कैलम एंड आर्जेंटम. ओके, क्योंकि ये जो ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके स्टार्टिंग नेम्स अलग हैं बट जो हम इनके सिंबल्स लिखते हैं वो अलग हैं. ओके सो उनकी हिस्ट्री बताई है दैट वी हैव डिराइव्ड दीज वर्ड्स फ्रॉम सम ऑफ द लैंग्वेज, इसीलिए हम उनको ऐसे ही लिखते हैं. ओके नाउ नेक्स्ट राइट डाउन. नहीं और नहीं है, है? बोल का नहीं है. नेक्स्ट लिखो फुल फॉर्म ऑफ IUPAC, इंटरनेशनल यूनिट ऑफ यूनियन ऑफ IUPAC. आपको पूछ लेते हैं कि सो व्हाट इज द अप्रोच ऑफ दीज एलिमेंट्स नाउअडेज, ठीक है कैसे आप इनको अरेंज करते हो. तो ये सारी जो अप्रोचेस हैं ये कौन देता है, IUPAC, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. Okay, that can be a full form. International Union of Pure and Applied Chemistry. Now moving to the next topic, that is atomic mass. पढ़ चुके हैं हम, पढ़ लिया हुआ है, but exactly अब हम देखेंगे कि तो सही कि ये masses जो हैं वो कैसे derive हुए हैं. ठीक है, हमने तो अपने लॉजिक के अकॉर्डिंग देख लिया कि इवन वालों को ऐसे रखना है और ऑड वालों को ऐसे रखना है, बट एक्चुअली एटॉमिक मास क्या है, राइट? IUPAC की फुल फॉर्म क्या है? लेट्स अगेन मूव टू द एटम. ये आपका एटम है एंड यू नो हियर द एटम इज हैविंग अ न्यूक्लियस दैट इज एक्चुअली पॉजिटिवली चार्ज्ड. जो एटम का न्यूक्लियस है उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, दिस न्यूक्लियस इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम प्रोटॉन्स प्लस, वेयर प्रोटॉन्स दे कैरी एंड न्यूट्रॉन्स दे कैरी They are neutral. कोई चार्ज नहीं है. ओके जो एटम है एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जो है वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों का बना हुआ है, जिसमें प्रोटॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज है, न्यूट्रॉन्स के ऊपर. इसका मतलब जो न्यूक्लियस का चार्ज है वो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ प्रोटॉन्स पे.
ठीक है, जो न्यूक्लियस का चार्ज है डेट विल ओनली डिपेंड ऑन द चार्ज ऑफ द प्रोटॉन्स, क्योंकि न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं. नाउ एटॉमिक मास, मास ऑफ एनी एटम, इट इज गिवन बाय दीज टू टर्म्स. ठीक है, किसी भी एटम का जो मास है, आप आगे पढ़ोगे थ्योरीज में कि जो मास है इट इज कंसंट्रेटेड इन द सेंटर. सेंटर में क्या है, यानी कि जितना भी एटम का मास है वही न्यूक्लियस का मास है, या जितना न्यूक्लियस का मास है वही एटम का मास. ठीक है, तो न्यूक्लियस का मास कौन कौन बताता है, बाकी कल करेंगे.